कहते हैं जिसने ज़मीन पर जन्नत देखनी हो तो वो कश्मीर देख ले, तो आओ फिर देखते हैं कश्मीर। 125,000 आबादी वाला कश्मीर जो कि दुनिया पर एक जन्नत की मांग है। खूबसूरत वादियाँ और खूबसूरत दरिया इसमें बहते हैं, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ पाए जाते हैं। जन्नत का समा होता है मेरे कश्मीर में। खूबसूरत हरे भरे पहाड़ कश्मीर की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। ताज़ा पानी के चश्मे और ठाठे मारता दरिया का पानी काबले दीद होता है। खूबसूरत वादियाँ मेरे कश्मीर की खूबसूरती को चार चांद लगा देती हैं। खूबसूरत वादियाँ होने की वजह से मेरा कश्मीर दुनिया के बेहतरीन सियाहती मकामात में से एक है। यहाँ के लोगों का पेशा ज़्यादातर हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर होता है। आज़ाद कश्मीर का जिक्र हो और मकबूजा का जिक्र ना हो ये मुमकिन नहीं है। तो आओ आपको लिए चलते हैं मकबूजा कश्मीर में। अल्लाह ने मकबूजा कश्मीर को भी बहुत ही खूबसूरती से नवाजा है। खूबसूरत पहाड़ और वादियाँ इसे जन्नत बना देती हैं। यहाँ में पानी भी चश्मे और पहाड़ इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इस जन्नत को जहन्नम में तब्दील कर दिया है। इंडियन मकबूजा कश्मीर में इंडियन फ़ौज की बर्बरियत और सालमाना तशद्दुद की वजह से औरतें और मर्द सड़कों पर आ जाते हैं। औरतों पर जिंसी तशद्दुद की जो भी इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए उसकी आवाज़ को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाता है। आखिर कब तक लोग अपने प्यारों का जनाजा कंधों पर उठाते रहेंगे? आखिर कब तक माएँ अपने बच्चों के लिए बिलखती रहेंगी?